हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रिल चीज़ सैंडविच की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक छोटी सी पत्ता गोभी। इन सबको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये सारी सब्जियाँ आपके 3 सैंडविच के लिए इनफ है। अब हम इन सब्जियों को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे या फिर फाइनली इन्हें चॉप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट किया है इन्हें। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। अब हम इन सारी सब्जियों को इस मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, हमें सारी सब्जियों को इस मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये वेज मेयोनीज। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेयोनी ली है, ये बड़ी टेबलस्पून है, बड़ी चम्मच है ये। अब मैंने यहाँ पर ओरिजिनल की वेज मेयोनीज ली है, आप जो चाहें वो ब्रांड की मेयोनीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मेयोनीज डाली है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद थोड़ा सा जीरा वन, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ओरिगेनो। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। अगर आप यहाँ रेड चिली सॉस स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या फिर आप इसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो। अब मैं यहाँ पर रेड चिली सॉस ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे इसमें थोड़ी सी मेयोनीज कम लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच मेयोनीज और ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेयोनीज ली थी, अब यहाँ पर टोटल मैंने 3 टेबल स्पून मेयोनीज का यूज़ किया है अच्छी तरह से भरकर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेयोनीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेयोनीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने ली है 2 बड़ी साइज़ की ब्रेड। एक ब्रेड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये टोमेटो केचप। अच्छी तरह से हमें ब्रेड के ऊपर टोमेटो केचप को अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। और दूसरी वाली ब्रेड पर हम अप्लाई करेंगे ये ग्रीन चटनी। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के स्कूल लंच के लिए बना सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए, मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी लगा ली है। अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एक ब्रेड के ऊपर ये 1.5 सारी मेयोनीज वाली वेजीज डाल दें। ये आपके बच्चों के लिए हेल्दी भी होगा क्योंकि इसके अंदर आपने 1.5 सारी वेजीज का यूज़ किया है। बाकी बच्चों को सब्जियां खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सैंडविच के बहाने वो ये सब्जियां खा लेंगे बड़े ही शौक़ से। इसलिए आप इसके अंदर अच्छी तरह से भर भर के डालें और ये सारी वेजीज आपके 3 सैंडविच के लिए बहुत होंगी, अच्छी तरह से फिलिंग आ जाएगी 3 सैंडविच में। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फिलिंग को इसके अंदर लगा दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये चीज़ स्लाइस, क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए इसे तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद डालूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल सकते हैं। मेरे बेटे को ओरिगेनो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ओरिगेनो डाला है। उसके बाद रख देंगे इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की स्लाइस और इसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, अब हमें गैस को स्टार्टिंग से एंड तक सिम पर ही रखना है। अब इसे मैं थोड़ा सा प्रीहीट कर रही हूँ, आप इसे थोड़ा सा प्रीहीट कर लें और मुश्किल से 2 से 5 सेकंड लगेंगे इसे प्रीहीट होने में। उसके बाद हम इसे पर अप्लाई करेंगे ये बटर। आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बटर अप्लाई किया है। अब दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह से बटर लगा लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे ये सैंडविच। अब सैंडविच के ऊपर भी आप चाहें तो थोड़ा सा बटर और अप्लाई कर सकते हैं, इससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा।
ये देखिए अब हम इसे बंद कर देंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपका सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे पलट लिया है। अब इसके ऊपर दूसरी साइड भी अप्लाई कर रही हूँ मैं बटर। इस तरह से 2-3 मिनट में आप इसे अलट पलट करते रहें। ये देखिए एक तरफ से हमारा सैंडविच बहुत ही अच्छे से बन चुका है, दूसरी साइड भी बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब फटाफट से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच कितना परफेक्ट बना है, कितना परफेक्टली ग्रिल हुआ ये। अब बिना कोई देर किए हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप चाहे तो इसे नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली इतने अच्छे से ये कट हो रहा है, आप देख सकते हैं वाओ कि हमारा सैंडविच कितना प्यारा बना है। अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। ये देखिए कितना चीज़ी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ली है, उसके अंदर हम रख देंगे हमारा टेस्टी सा सैंडविच। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी और मेयोनीज इसके ऊपर डालने वाली हूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, डालना ना डालना आपकी चॉइस। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी है। इसके ऊपर डालूँगी अब मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। फाइनली दैट इज़ रेडी टू सर्व। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।